हेलो गाइस, दिस इज शोइकॉट। और गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोटोरोला की स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा होता है, मोटो जी सीरीज का स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा होता है। और गाइस, बहुत दिन बाद हो गया है लॉन्च मोटो जी सीरीज का स्मार्टफोन, मतलब मोटो G6, G6 प्लस और G6 प्ले, ये तीन डिवाइस हो गया है लॉन्च आज ही। और गाइस, इन डिवाइस के साथ मोटो E5 सीरीज का भी स्मार्टफोन हुआ है लॉन्च। लेकिन गाइस, आज इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ मोटो जी सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है मोटो G6, मोटो G6 प्लस और मोटो G6 प्ले। तो गाइस, बहुत दिन बाद ये स्मार्टफोन हो गया है लॉन्च। अभी तो ये ब्राजील में हुआ है लॉन्च और कुछ रीजियन में ये अवेलेबल है। तो गाइस, इंडिया में हम आशा कर सकते हैं कि ये डिवाइस हमें मिल सकता है लेट अप्रैल या फिर मई के महीने में। तो दोस्तों, फोन तो देखने में बहुत ही कमाल लगता है और आज मैं बोलने वाला हूँ इसी के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मोटो जी सीरीज का ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा डिजाइन के साथ आया है। मोटो X4 जैसा डिजाइन हमें देखने को मिलता है इन डिवाइसेस में और 3D ग्लास पैनल भी हमें देखने को मिलता है इन तीनों डिवाइस में, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है, पकड़ने में बहुत ही प्रीमियम लगता है ये डिवाइसेस। और मोटो G6 और G6 प्लस में हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और G6 प्ले में हमें सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और गाइस, जैसा कि पहले लीक हुआ था इन डिवाइसेस का, ये डिवाइस जैसा पहले लीक हुआ था वैसा ही डिवाइस हमें देखने को मिलता है, वैसा ही डिवाइस हमें देखने को मिला है ये डिवाइसेस, मोटो G6, G6 प्लस और G6 प्ले। और गाइस, इन तीनों डिवाइस में ही हमें देखने को मिलता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले। और फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो मोटो G6 और G6 प्लस में हमें फ्रंट माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, लेकिन G6 प्ले में हमें देखने को मिलता है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोटो G6 के बारे में। तो दोस्तों, मोटो G6 में हमें देखने को मिलता है 5.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। जी हाँ, फुल HD प्लस डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है मोटो G6 में। और ये डिवाइस भी आता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, जो कि नॉर्मली है। और दोस्तों, इस डिवाइस में तो हमें ग्लास बैक पैनल देखने को मिलता है और फोन की फ्रंट और रियर साइड में हमें देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, जो कि बहुत ही अच्छा एक बात है। और दोस्तों, अंडर द ग्लास इस डिवाइस में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और रैम स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो गाइस, ये डिवाइस हमें मिलेगा 3GB और 4GB रैम वेरिएंट में। और स्टोरेज की बात करें तो गाइस, ये डिवाइस हमें मिलेगा 32GB और 64GB स्टोरेज वेरिएंट में। और दोस्तों, इस डिवाइस की फ्रंट पैनल में हमें देखने को मिलता है, फ्रंट पैनल की बॉटम में हमें देखने को मिलता है मोटो का ब्रांडिंग और उसके नीचे एक सॉफ्टवेयर बटन देखने को मिलता है, वही काम करता है फिंगरप्रिंट स्कैनर का। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरा सेक्शन के बारे में। तो रियर पैनल में तो हमें डुअल कैमरा सेंसर देखने को मिलता है और सेंसर्स की बात करें तो हमें देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का सेंसर प्लस 5 मेगापिक्सल का सेंसर। और फ्रंट में हमें देखने को मिलता है गाइस 8 मेगापिक्सल का सेंसर विद LED फ्लैश, फ्रंट में हमें LED फ्लैश भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, जो रियर पैनल का 12 मेगापिक्सल का सेंसर है उसमें हमें देखने को मिलता है f1.8 का एपर्चर। और दोस्तों, ये फोन हमें मिलता है एंड्रॉइड ओरियो के साथ लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिल रहा है इस डिवाइस में। और दोस्तों, इस डिवाइस में हमें देखने को मिलता है ब्लूटूथ वर्जन 4.0, USB टाइप सी पोर्ट भी हमें देखने को मिलता है इस डिवाइस में। और देखने को मिलता है 3000 mAh का बैटरी कैपेसिटी विद टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज। तो दोस्तों, आप बात करते हैं मोटो G6 प्ले के बारे में। तो दोस्तों, मोटो G6 प्ले में हमें देखने को मिलता है 5.7 इंच का HD प्लस डिस्प्ले। जी हाँ, फुल HD रेजोल्यूशन हमें इस डिवाइस में देखने को नहीं मिलता है, मोटो G6 प्ले में हमें HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। और ये डिवाइस भी आता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा एक बात है। और दोस्तों, मोटो G6 प्ले में हमें ग्लास तो देखने को मिलता है, लेकिन वो पॉलीमर ग्लास है, तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं इसे, अच्छा ही बोल सकते हैं। और दोस्तों, चिपसेट की बात करें तो इस डिवाइस में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 430 का चिपसेट। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 430 का चिपसेट हमें देखने को मिलता है इस डिवाइस में। और दोस्तों, रैम स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो ये डिवाइस आता है 3GB और 4GB रैम वेरिएंट के साथ और 32GB और 64GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ ये डिवाइस आता है। और दोस्तों, बात करें अगर इस डिवाइस की कैमरा सेक्शन की, तो मोटो G6 प्ले की कैमरा सेक्शन की बात करें तो इस डिवाइस की रियर पैनल में हमें सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 13 मेगापिक्सल का, और इसका एपर्चर है f2.0। और दोस्तों, फ्रंट पैनल की बात करें तो मोटो G6 प्ले में हमें देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, साथ ही साथ एक LED फ्लैश भी देखने को मिलता है हमें मोटो G6 प्ले में। और रियर पैनल में तो LED फ्लैश हमें देखने को मिलता ही है। और दोस्तों, इस डिवाइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें देखने को मिलता है मोबाइल की रियर साइड में, जो M का लोगो है वही काम करता है फिंगरप्रिंट स्कैनर का। और इस डिवाइस में हमें माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है और बैटरी कैपेसिटी हमें देखने को मिलता है 4000 mAh का मोटो G6 प्ले में। तो गाइस, अब बात करते हैं मोटो G6 सीरीज की प्रीमियम सेगमेंट स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ, मैं बोलने वाला हूँ मोटो G6 प्लस के बारे में। तो दोस्तों, इस डिवाइस में तो हमें देखने को मिलता है 5.93 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। और गाइस, ये डिवाइस भी आता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ और ये डिवाइस भी ग्लास बैक पैनल का है। और फ्रंट और रियर पैनल में हमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा एक बात है। और दोस्तों, इस डिवाइस में हमें मोर पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 630 का चिपसेट देखने को मिलता है, 660 नहीं है, 630 हमें देखने को मिलता है इस डिवाइस में।
और गाइस रैम स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो गाइस ये डिवाइस आता है 4GB और 6GB रैम वेरिएंट के साथ, और स्टोरेज की बात करें तो ये डिवाइस आता है 64GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट के साथ। तो दोस्तों आप बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरा सेक्शन के बारे में। तो इस डिवाइस का कैमरा, इस डिवाइस में तो डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता ही है, लेकिन गाइस इस डिवाइस का कैमरा मोटो G6 प्लस का कैमरा मोटो G6 से थोड़ा बेहतर है। इस डिवाइस में हमें देखने को मिलता है 12 MP प्लस 5 MP का रियर कैमरा सेटअप, लेकिन 12 MP जो सेंसर है उसमें हमें देखने को मिलता है f1.7 का एपर्चर, और इस डिवाइस में हम 4K वीडियो शूट कर पाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा एक बात है। और गाइस 4K वीडियो में हमें देखने को मिलेगा डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मोड जो कि बहुत अच्छा एक बात है मोटो G6 प्लस में। और दोस्तों इस डिवाइस की फ्रंट पैनल में हमें देखने को मिलता है 8 MP का फ्रंट कैमरा विद LED फ्लैश, तो थोड़ा कम ही है जो रिमोट आया था पहले 16 MP का हमें देखने को मिलेगा इस डिवाइस में, लेकिन गाइस हमें 8 MP का सेंसर हमें देखने को मिलता है मोटो G6 प्लस में। और गाइस इस डिवाइस में हमें माइक्रो USB पोर्ट नहीं, USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है हमें मोटो G6 प्लस में। जी हाँ, USB टाइप सी पोर्ट हमें देखने को मिलता है मोटो G6 प्लस में। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो गाइस इस डिवाइस में हमें देखने को मिलता है 3200 mAh का बैटरी कैपेसिटी विद टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज। और दोस्तों ब्लूटूथ वर्जन 5.0 हमें देखने को मिलता है इस डिवाइस में। और तो दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत ही फर्स्ट बना रहा हूँ, तो सिर्फ स्पेसिफिकेशन ही बोल पाऊंगा, लेकिन गाइस जो प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी है वो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है इसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, रिसर्च करके मैं अलग वीडियो बना दूंगा खूब ही जल्दी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है ये डिवाइस हमें मिलेगा लेट अप्रैल में या फिर मई के महीने में। और गाइस प्राइसिंग की बात करें तो मेरा एक्सपेक्टेशन जो है वो ही बोल देता हूँ, मोटो G6 प्लस हमें मिलेगा लगभग, इसका जो हायर वेरिएंट है वो हमें मिलेगा लगभग 23,000 की प्राइस रेंज में। मोटो G6 का जो हायर वेरिएंट है वो हमें मिल सकता है लगभग 16,000 की प्राइस रेंज में, और मोटो G6 प्ले का जो हायर वेरिएंट है वो हमें मिल सकता है लगभग 13,000 की प्राइस रेंज में। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, इसे थोड़ा ऊपर या फिर नीचे हो ही सकता है, लेकिन गाइस प्राइसिंग तो अभी जो लीक आया है वो तो अलग रीजन में है, तो जब भी कोई कॉन्फर्म न्यूज़ आएगा मोटो G6 की रिगार्डिंग प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी इंडिया में तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन गाइस मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मोटो G6 हमें मिल जाएगा, मोटो G6 सीरीज हमें मिल जाएगा लेट अप्रैल या फिर मई के महीने में, तो उम्मीद तो यही करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही जल्द बना रहा हूँ, लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है शोकत और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।